पूरा देश लाइन में है, जहां देखो बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें। समस्याएं हैं समय की, विशेषकर मुंबई का समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कीमती है, मगर मजबूरी है, नोट बदलना है, घर चलाना है। नोटों के लिए, समय के लिए परेशान जरूर हैं, जहां घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, गटर में खड़ा रहना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं, लोग गटर में खड़े हैं। इन सब के बावजूद मोदी के इस कदम को देश के लिए अच्छा कार्य मान रहे हैं। And withdrawals. Everyone is standing in the same queue. Everyone should not be the sufferer. We are people. We have other work also. कई बैंकों में ऐसी व्यवस्था है। So Kotak and ICICI has that facility. At least the nationalized bank should also start this facility. आपकी बैंक का नाम क्या है? Mine is ICICI. नहीं, आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज बैंक ऑफ इंडिया। आप टेंडर जमा कराने आई हो? हाँ, या जमा कराने आई। विड्रॉल के लिए नहीं है? नहीं। फॉर्म वाला नहीं है? नहीं। आप ये कहना चाहती हो कि तीनों एक ही साथ में हो रहा है? हाँ। ओके, इसलिए समस्या हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये टेंडर जो चेंज हुआ है लेकिन आपको क्या लगता है कि देश में जिस तरह से मोदी ने एकदम टर्न किया 500,000 नोट बंद करके, हालांकि समस्या होगी, थोड़े पब्लिक को समस्या होगी, लेकिन आफ्टर टाइम इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या लगता है आपको? आपका पहले नाम बताओ। मेरा भरे भी कुछ। आपका एज? 74। आप लाइन में क्यों खड़े हो? पैसा भरने के लिए। पैसा भरने के लिए पड़े हो? आपको समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है बताया आप? अभी तक जो ये पैसा भरने का लाइन लगा है तो ज्येष्ठ नागरिक ने भी करना चाहिए ना। फिर है ना, बस जो भी कहने ज्येष्ठ नागरिक का भी सोच के करो ना। अच्छा, जो ये कदम उठाया है मोदी ने 500,000 रुपए के नोट बंद पे, हालांकि अभी हमें समस्याएं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या लगता है हिंदुस्तान में कुछ नया परिवर्तन आने वाला है? भ्रष्टाचार कम होने वाला है? 2 नंबर की कमाई कम होने वाली? क्या लगता है आपको, आप बुजुर्ग हो? वो तो होने वाला ही है। ये अच्छा, ये कदम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा, थोड़ा बहुत तो फेवर होने वाला ही है। आप कहाँ रहते हो? बोरिवली। धन्यवाद सर। ये जो आप अभी जो लाइनें लगा रहे हो, यानी 500,000 के नोट बंद हो चुके हैं इसके लिए, बराबर आपको लगता है कि थोड़ी तकलीफ हो रही है हमें, लेकिन आने वाले समय में देश का जो इकोनॉमिक हब है या ओपन हब है, जिस तरह से मोदी ने स्टेप उठाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, सही है या गलत है? वो तो सब सही है, लेकिन बैंकिंग का जो, एक मिनट समझ रहा हूँ, सब सही है। और बैंकिंग में जो न्यूज दिया है कि भाई सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, तो उसको 10 बजे तो खोलते और 5 बजे 4:30 बजे बंद कर देते। अच्छा, ये बड़ी शिकायत है। हाँ। हम इस शिकायत को वहाँ हब तक पहुँचाएंगे। लाइन है तो लाइन को हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने 4 काउंटर जो है बना के रखा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारा 4 काउंटर का है, एक्स्ट्रा। मैंने देखा है कि कई बैंकों में पुलिस का जब्ता है, और यहाँ पर आपका जो है मुझे पुलिस आ रही है, कल परसों जो है 2 दिन पुलिस आई थी, अभी भी आने वाली होगी, 10 बजे तक आ जाएगी, आने वाली होगी सर। अच्छा, पूरे दिन में कितने लोगों को आप जो है लगभग पूरा जो है कई बैंकों में अलग अलग लाइनें होती है, विड्रॉल की अलग होती है, डिपॉजिट की अलग होती है, और मनी ट्रांसफर की जो 4,000 होती है, लेकिन आपके यहाँ एक ही लाइन है। पीछे मैं अभी इंटरव्यू करके आया हूँ, उन लोगों ने कहा कि 8 बजे का टाइम दिया गया था और अभी जो 9 बजे खुला गया, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा ब्रांच का टाइमिंग 9 बजे का ही है, हमने टाइम से खुला। क्या उनकी पब्लिक की जो तकलीफ है उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? अच्छा, मैं रविंद्र पाटिल, बैंक ऑफ इंडिया गिरगांव ब्रांच का स्टाफ बोल रहा हूँ। अभी लास्ट आपको जानकारी है कि अभी देश में क्या हो रहा है। अभी हमारे गिरगांव ब्रांच में भी लास्ट 2 डेज से आज तीसरा दिन है, हम लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे पानी का सुविधा दिया है, जो भी अभी यहाँ से जिनकी जिनकी तकलीफ है वो हम सुन के, हमारे अंदर हमारा कैश डिपॉजिट विड्रॉल का अलग अलग लाइन है, हमारे एग्जीक्यूटिव फॉर्म चेक करें, जो भी सुविधा दे रहे हैं, देने का कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा दे रहे हैं। बैंक का टाइम क्या रखा आपने? अभी यहाँ से हमारा 9 बजे की मॉर्निंग 9 बजे की ब्रांच है, यहाँ पे आज एक्सटेंड आवर नहीं है, लेकिन लास्ट 2 डेज से हमारा एक्सटेंड आवर था, फिर भी हमारा स्टाफ कम से कम 10 बजे तक यहाँ पे हमारा बाकी का काम कर रहा था। डेस्क रिपोर्टर, शुभ समय, ऑनलाइन न्यूज चैनल, मुंबई।